एवरेज पीपल हु आर दे 90% ऑफ द वर्ल्ड इज एवरेज. व्हाई? डूइंग द सेम मोनोटोनस जॉब, टेकिंग नो चार्ज ऑफ देयर लाइफ, डूइंग समथिंग विच दे डोंट लव, नॉट फॉलोइंग द पैशन, नो मोटिवेशन. I'm sure you're watching this video because you don't want to be that 90%, but be the part of 10% who take charge of their life. Yes, guys, in this video, I'm going to tell you exactly how you can change it. And jitna jaldi aap ye realize kar loge, trust me, you're going to enjoy your life, be it your teen, be it your adulthood, or be it your old age. Ye small habits hai jo aapko bahut help karti hai aapka pura life change karne mein. सो गाइज द थिंग्स विच आई एम गोना शेयर विद यू वो पर्सनली मैंने इम्प्लीमेंट करा है एंड इट हैज़ हेल्प मी अ लॉट एंड आई एम श्योर अगर आप इसमें से कुछ पॉइंट्स अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाए तो इट विल डेफिनेटली डेफिनेटली गोना हेल्प यू. फर्स्ट थिंग इज मेक श्योर दैट एवरी डे 30 मिनट्स यू वॉच, रीड और लिसन समथिंग इन्फॉर्मेटिव या तो मोटिवेशनल. गाइस ये पर्सनली काफ़ी मुझे हेल्प किया है बिकॉज आई माई सेल्फ आई एम नॉट अ गुड रीडर. सो वॉट आई डू इज आई वॉच और आई लिसन. इट हेल्प मी टू गेन नॉलेज. एट द सेम टाइम माई अवेयरनेस इंक्रीजेज विच हेल्प्स मी नॉट ओनली टू लर्न न्यू थिंग्स बट ऑल्सो वाइल टीचिंग आई इम्प्लीमेंट इट. सेकेंड थिंग इज एक्सरसाइज. गाइज डोंट बी लेजी. यू नो एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आप रोज़ जिम जाओ, रोज़ योगा करो. आप डांस कर सकते हो, खेल सकते हो, आपको जो भी एक्टिविटी करना पसंद है मेक श्योर यू डू दैट. इफ़ यू डोंट हैव एन हेल्दी बॉडी डेफिनेटली इट इज़ एन इंडिकेशन दैट यू डोंट हैव एन हेल्दी माइंड. सो येस गाइज यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी विच विल इम्पैक्ट यू इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली. सो मेक श्योर दैट यू एक्सरसाइज डेली. नेक्स्ट इज लर्न न्यू स्किल्स. गाइस स्किल्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. सो आपको मेक श्योर करना है कि आप साल में कम से कम 2 नए स्किल्स सीखें. हर साल आपको 2 नए स्किल्स सीखने हैं विच विल डेफिनेटली हेल्प यू टू बी अ बेटर पर्सन. बी इट कुकिंग, बी इट एडिटिंग, बी इट डांसिंग, एनीथिंग दैट यू लव टू लर्न. नेक्स्ट इज इनफ स्लीप. आई नो स्लीपिंग को हम काफ़ी ज़्यादा इग्नोर करते हैं बिकॉज हमें लगता है यार सोना इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम. काफ़ी ज़्यादा यंगस्टर्स से मैंने ये सुना है, लेट नाइट सोते हैं, बहुत लेट उठते हैं, लाइक आई एम अ नाइट आउल काइंड ऑफ अ थिंग एंड ड्रिंक लॉट ऑफ कॉफ़ी. बट गाइस स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट एंड अकॉर्डिंग टू द नेचर साइकिल द रिकवरी ऑफ द बॉडी टेक्स प्लेस बिटवीन 10 o'clock to 3 o'clock. अगर ये टाइम पर आप जागते हो, रात के 2 बजे सोते हो, आप डीप स्लीप में जाते 3 बजे आते हैं, आपकी बॉडी रिकवरी नहीं होती एंड दैट्स द रीजन यू फॉरगेट मोस्ट ऑफ द थिंग. आपका ध्यान नहीं लगता है, आप लेजी रहते हो, खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होता है. लॉट ऑफ एंजाइटी एंड एंगर इश्यूज आर टेकिंग प्लेस दीज डेज. रीजन इज आपको सही से स्लीप नहीं मिलती है. सो गाइज मेक श्योर कि आप ये हैबिट बनाओ कि आपको 11 बजे सोना है. प्लीज़ कीप योर मोबाइल फोन असाइड, स्लीप एट 11 o'clock, गेट अप एट लाइक यू नो 6 o'clock, 7 o'clock. इट विल कीप यू हेल्दी एंड एट द सेम टाइम यू विल बी अ पर्सन हु अंडरस्टैंड्स बेटर, हु थिंक्स बेटर. सो यू हैव टू प्रैक्टिस गुड स्लीपिंग हैबिट. नेक्स्ट इज टेक एक्शन. जस्ट सपने देखने से, मैनिफेस्ट करने से चीज़ें हो नहीं जाती कि मैं सोचूं, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एंड ऑल. नो गाइज यू हैव टू टेक एक्शन. अगर आपका कोई ड्रीम है, अगर आपको कुछ चीज़ करनी है, आपको एक्शन लेना पड़ता है, उस चीज़ के टूवर्ड्स काम करना होता है. जस्ट सोच के सीक्रेट्स एंड पावर ऑफ थिंकिंग एंड यू नो आई सीन दिस लॉट ऑफ वीडियोज टॉकिंग अबाउट मैनिफेस्टेशन एंड ऑल दैट. ये सब होता है अगर आप एक्शन करोगे तो. विदाउट एक्शन नथिंग गोन अ मैनिफेस्ट. वो सिर्फ आपके ध्यान में मैनिफेस्ट होगा. सो यू हैव टू बिकम अ पर्सन हु गेट्स अप एंड टेक एक्शन. नेक्स्ट हैबिट इज 15 मिनट्स ऑफ फोकस थिंकिंग. नाउ ये सारी चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा साइडलाइन हो जाती है अपने रोज़ के यू नो भाग दौड़ में. बट या तो मॉर्निंग या तो सोने के पहले अगर आप एक हैबिट बना लो कि 15 मिनट मुझे फोकस थिंकिंग करना है. अब वो चीज़ें इस पर भी हो सकती है कि मैं कैसे पढ़ाई करूँगा, कैसे प्लानिंग करूँगा, कैसे पैसे कमाऊँगा, मेरा ड्रीम क्या है, जो भी चीज़ आपको सोचनी है यू हैव द फ्रीडम. बट 15 मिनट्स ऑफ डीप थिंकिंग विद योर सेल्फ
yourself with your mind, with your heart. You have to practice कि वो focus thinking आप करें, कि आपका जो mind है वो clear हो. अगर आप वो रोज करते हो तो you know you will not be a person who is always confused and always be a person who is not able to take a small decisions in life. अगर आपकी focus thinking की आदत है तो आपका जो thought process है काफ़ी clear होगा and आपको ये पता रहेगा कि boss मुझे life में चाहिए क्या. And that's what people don't know these days because you know वो focus thinking करते ही नहीं है, ये भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, एंड एंड अप मैसिंग अप एवरीथिंग. सो यस, प्रैक्टिस दिस 15 मिनट्स ऑफ फोकस थिंकिंग एंड सी द चेंज. नेक्स्ट कम्स इज योर ईटिंग हैबिट. ईटिंग हैबिट काफ़ी कुछ एक इंसान के बारे में बताती है. अगर आप बहुत ही ज़्यादा जंक खाते हो या स्वीट खाते हो, लेट मी टेल यू, आई कैन चैलेंज, आपका जो माइंड प्रोसेसिंग है ना वो काफ़ी लेथार्जिक वे में प्रोसेस करता है. बिकॉज जंक ईटिंग से क्या होता है, मोस्ट ऑफ द एनर्जी गोज इन डाइजेस्टिंग दैट हैवी ग्रीसी फूड. अगर आप वीकली एक बार बाहर खाते हो या पिज़्ज़ा बर्गर खाते हो, दैट्स कम्प्लीटली ऑल राइट. बट इफ़ योर ईटिंग हैबिट is clean, not only your body will look better, your skin will glow, but your brain will also be quite alert to learn things, to absorb. At the same time you will be a happy person yourself, because you know agar aap lazy feel nahi kar rahe ho, tired feel nahi kar rahe ho, you will be energetic and people will love to be around you with your you know positive aura and vibe. So make sure guys, aap jo eat kar rahe ho, aap jo bhi body mein dal rahe ho, it gonna reflect in some or the other way, be it your physical health, be it your emotional health, be it you know you're overreacting and all that. So practice clean eating, that's very important. Last is प्रैक्टिस लिसनिंग. आजकल सबसे ज़्यादा कमी हो गई है अच्छे लिसनर्स की. हम सब बोलना चाहते हैं, यू नो ऑल ऑफ अस वॉन्ट टू बी इन्फ्लुएंसर्स, ऑल ऑफ अस वॉन्ट टू जस्ट एक्सप्रेस वॉट दे फील, बट वॉट अबाउट being a good listener. Guys, trust me, if you are somebody who listens to people, you are much appreciated. Me being a counselor, I have been patiently listening to students, like you know every day when I'm doing one-on-one counseling or a group counseling, what I have realized, you know, there is so much people want to say, they just want somebody to listen to them. Jab se maine practice karna shuru kiya hai na being a good listener, trust me guys, I have changed so much. You know, I have no urge of talking first or you know making my point or arguing. I listen and then I respond, I don't react. So that will help you again to be a better person. Agar aap kisi ki baat sahi tarike se sun rahe ho, aap hamesha sahi response de paoge, na ki reaction which is like you know either an anger or a frustration or something, like you know always it's an outburst. But if you listen carefully and listen patiently, trust me, you will have a good relation, you will have good friends, you will have, you know, your peace of mind will be maintained. In short, I would like to say that. So practice being good listener, it will help you to go long way. So these were the pointers that I wanted to share with you so that you are not an average person. I'll be coming up with a lot of such videos which gonna help you to be a better person, not being like, you know, an average, mediocre person, ends up in frustration every night and, you know, just wait for the weekend. But somebody who enjoys Monday mornings and be fresh and love the work and, you know, be a vibrant, positive energy. I hope guys you like the video. Please let me know in the comment box ki aapko video kaisa laga, and thanks for watching. Stay tuned for a lot of such amazing videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.